पाएगा। इस चक्कर में उन्होंने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, वो व्यक्ति ने 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहा था, उस व्यक्ति को उन्होंने खरीद प्रोक्त करके उससे पैसे लेकर उसको टिकट दिया है और उसको एज ए डमी कैंडिडेट उन्होंने टिकट दिया है ताकि 2028 में यह हार जाए। और इस ये जो एक डिमांड थी यहाँ पे कि भाई इस बार स्थानीय को टिकट दो, लेकिन 18 लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया था, कांग्रेस के नारे लगा रहे थे, उनमें उनको सबको नज़रअंदाज किया गया। और कैसी मीणा जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़े पद पर नौकरी करके आए, जो नौकरी करते हुए मलाई खा के जो आए, पैसा कमा के लाए, उससे पैसा लेकर एक उस व्यक्ति कैसी मीणा को टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था और केवल इसलिए दिया। और इसके पीछे एक और कारण है, पिछली बार जो 2023 का जो चुनाव था, जब कर्नल साहब किरण लाल जी भैंसला साहब के बेटे विजय भैंसला जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ये राजेंद्र जी गुजर जिनको टिकट मिला है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे, उन्होंने बीजेपी के चुनाव टिकट पर विजय भैंसला जी के चुनाव लड़ने के बावजूद भी इसी राजेंद्र गुजर ने विजय भैंसला जी को जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनको हरवाया था और हरीश मीणा की उन्होंने मदद करी थी। अब हरीश मीणा उनकी मदद करना चाहते हैं। नहीं, अब आप ये बताओ कि क्या एक बार फिर नरेश मीणा कांग्रेस के परिवारवाद वंशवाद इसकी भेंट चढ़ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। हाईकमान मुझे टिकट देना चाह रही थी, पूरी हाईकमान, सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब, डोटासरा साहब, सारी जो कांग्रेस है वो सारी मेरी पैरवी कर रही थी, भंवर जितेंद्र साहब ने मेरी पैरवी करी, लेकिन यहाँ जो सांसद बेटा उसने वीटो किया, वीटो इस बात का किया कि चाहे किसी को भी टिकट दे दो, नरेश मीणा को मैं टिकट नहीं देने दूंगा और इनको अगर टिकट देते तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं तो क्या कारण था, क्या ये पॉपुलैरिटी जो है ये कांग्रेस के आला कमान को पहले नहीं पता थी क्या? देखिए राष्ट्रीय पार्टियों का ये प्रॉब्लम रहता है, रविंद्र भाटिका आपने देखा होगा, बीजेपी ज्वाइन करवाई और उसके बाद टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ा, मेरे साथ 2023 में किया, 2023 में मैंने विधानसभा का छबड़ा टिकट मांगा, दिया नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा, मेरे वहाँ 44,000 वोट आए और कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था उसके 58,000 वोट आए, हो सकता है कि अगर मेरे को टिकट देते तो मैं 15-20,000 वोटों से वहाँ चुनाव जीतता। फिर मैंने लोकसभा का टिकट मांगा दौसा से, मुझे टिकट नहीं दिया, फॉर्म भरा लेकिन हमारे जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के उन्होंने मुझे मनाया, उन्होंने कहा कि आगे चांस देंगे, मैंने फॉर्म वापस लिया, फिर कांग्रेस के लिए काम किया, कोटा जाके मैंने प्रहलाद गुंजल जी के साथ पूरी जी जान से रात दिन मेहनत करके उनके लिए काम किया था, लेकिन उसके बावजूद ही पता नहीं पार्टी मेरे में क्या देखती है, पार्टी ने मुझे क्यों टिकट नहीं दिया। नहीं, अब ये बताइए नरेश जी के यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नरेश मीणा जो है वो बीजेपी की एक दूसरी टीम बन के यहाँ काम कर रहा है। देखिए मैंने मेरी जी जान लगाई थी कांग्रेस के टिकट मांगने, मैंने मेरी जी जान लगाई थी 2023 में छबड़ा से टिकट मांगने, अगर मेरे पास जनता है, मुझे जनता चाहती है, मुझे वोट जनता दे रही है, मैं अगर बी टीम होता तो मेरे 44,000 वोट छबड़ा में नहीं आते। आज यहाँ पूरी दुनिया जनता ये कह रही है कि आज अगर बीजेपी और नरेश मीणा की टक्कर है, तो जब बीजेपी और नरेश मीणा की टक्कर 5-7 दिन में बीजेपी और नरेश मीणा की टक्कर थी तो ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए थी कि वो जिताओ कैंडिडेट को देती। आज कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहाँ घूम रहा है उसके साथ 5 आदमी नहीं है, उसकी आज ही जमान जब तो सिद्ध हो चुकी है, उसके साथ कोई व्यक्ति लग नहीं रहे, गाँव में उसको घुसने नहीं दे रहे लोग, फिर आप कैसे भी टीम कहते हो। मैं तो अगर मैं कांग्रेस चुनाव जीतता हूँ तो मेरा सचिन पायलट मेरा नेता है, कांग्रेस मेरी पार्टी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं से मेरी जयपुर में बात हुई है, वो तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं वो नेता नहीं बन जाते और सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीते जाते, इस पे आप क्या कहोगे? ये बात एक बार पहले भी एक मुरारी लाल मीणा ने कही थी, ये सोशल मीडिया नहीं है। आज मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, मैंने डाला है केवल कि इन रूटों पे मेरा कार्यक्रम है, ठीक है, मैंने कोई यहाँ पे गाड़ी घोड़े नहीं लगा रहा कि जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लोगों को आप आना ये आना, मैंने यहाँ कोई चावल नहीं बांट रहा हूँ, ये बीजेपी के जो लगा रहे हैं, कांग्रेस के जो टेंट लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कोई फलाना मंत्री आ रहा है, फलाना मुख्यमंत्री आ रहा है, वहाँ उनके पास जाना, आप उनकी भीड़ को देखना और इस नरेश मीणा की भीड़ को देखो। ये दिवाली के तीन दिन नरेश मीणा को जो देवली उनियारा की जनता ने प्यार दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, यहाँ दिवाली पे तो कोई नहीं था ना बाहर का, ये तो लोग यहीं के थे, आज सारे लोग ये घूम रहे हैं, ये सारे लोग इनकी नजरें मिलाओ, आप कैमरा घुमाओ, एक भी व्यक्ति, ये मुकेश जी सरपंच साहब है, ये मुकेश जी मीणा है, जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है, पहले दिन से नरेश मीणा के साथ घूम रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आज नरेश मीणा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में जिनका अपमान हुआ, भारतीय जनता पार्टी में प्रभुलाल सैनी जी का टिकट काटा, भारतीय जनता पार्टी में विजय भैंसला जी का टिकट काटा, ये वो लोग थे। सैनी साहब ने पार्टी के लिए काम किया, विजय भैंसला जी कम वोटों से हार गए थे और हारने का कारण ये था कि उनकी सहजातीय एक विक्रम गुजर को खड़ा कर दिया गया था और ये खुद राजेंद्र गुजर जो बीजेपी का चुनाव में लड़ा है, इस राजेंद्र गुजर ने उनके छुरा घोंपने का काम किया था, उनको हरवा दिया, इसलिए आज अगर विजय भैंसला जी को टिकट मिलता है यार
सैनी साहब को टिकट मिलता, मामला अलग होता। लेकिन ये जो दोनों कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इसको जनता झाड़ रही है। जनता ये कह रही है कि ना तो ये समाज के सगे हुए और ना ये पार्टी के सगे हुए। ये हरीश मीणा, जिसको कांग्रेस पार्टी ने 5 साल डीजी रखा, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को ठोकर मार के इसने अपने सगे भाई नमोनार जी के खिलाफ दो समझा के बीजेपी का टिकट ले लिया। फिर इसकी बीजेपी में इसको लगा कि अब बीजेपी डाउन होने वाली है, फिर आके देवल यूनियन हम कांग्रेस से बन गया। अब कांग्रेस में रहते हुए अब बीजेपी का जो प्रचार कर रहा था, बीजेपी का जो नारे लगा रहा था, उस व्यक्ति से पैसे लेके उसको टिकट दे दिया ताकि पैसे भी आ जाए, हार भी जाए। और 2028 में आकर नरेश मीणा कहे देखो स्थानीय में कोई दम नहीं है, चुनाव तो मैं ही जीतूं और मैं आकर लड़ूं। लेकिन अब नरेश मीणा यहां आ गया, इसको चरागाह भूमि नहीं बनने देगा। नरेश मीणा को अगर ये जनता आशीर्वाद देती है, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके नरेश मीणा उनके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके नंगे पैर जनता जनार्दन के पास घूम रहा है, अगर ये आशीर्वाद देती है तो मैं तो जनता से ये भी कह रहा हूँ 4 साल बाद मैं यहाँ से छोड़ के छबड़ा चला जाऊँगा। 4 साल जीत तोड़ मेहनत करके आपका आशीर्वाद लेके आपकी सारी समस्याओं को दूर नरेश मीणा करेगा, और उसके बाद 4 साल में यहाँ इतने सारे नरेश मीणा पैदा कर जाऊँगा जो बाहर ही आकर कोई इसको चरागाह भूमि नहीं समझेगा। जो गलावार बनेगा वो यहीं का बेटा बनेगा। आपने नामांकन भर के मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया। त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से अब ये चर्चा चल रही है कि दो मीणा होने की वजह से मीणा वोट कट जाएगा। मीणाओं के वोट कोई 2-4 हजार निकल जाए ना तो अलग बात है, मुझे छोटा किरोड़ी कहते हैं मीणाओं में। 2-4 हजार वोट कोई गलती से डल जाए ना, गलती से, वो अलग बात है। मीणा 95% से 99% नरेश मीणा को देंगे। ये जो चुनाव है, ये चुनाव केवल दो में ही है, बीजेपी और नरेश मीणा में। ये चुनाव हो गया जैसे टोडा भी में तो गोविंद सिंह डोटासरा साहब आएंगे या वो अपना गमछा लहराएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मौर्य बुलवा दूंगा सबका ही। अब मौर्य बुलाने का नंबर नरेश मीणा का है, ऐसी भचीड़ दूंगा कांग्रेस बीजेपी के जो दोबारा नाम नहीं लेंगे नरेश मीणा के खिलाफ सामने आने का। रविंद्र सिंह भाटी सपोर्ट कर चुके हैं, हनुमान बेनीवाल आपको सपोर्ट कर रहा है, आज बाप ने भी आपको सपोर्ट कर दिया है। किस तरीके से देखे राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा किस तरीके से नजर? देखिए आज मैं गाँव में घूम रहा था, अभी हर गांव में माताएं बहनें मिलती हैं। ये जो पूरा इलाका है जहां अपन खड़े हैं अभी, आप अगर गांव में इंटरव्यू लोगे ना इन गांव में जाके, तो आपको माताएं बहनें सबसे बड़ी समस्या बताएगी, साहब हमें पानी का पानी, ये मेरा अगला सवाल, पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये सबका सवाल था, सबने कहा था मुझसे कि नरेश मीणा आए तो ये सवाल करना कि पीने का पानी नहीं है, और ये उस जगह के रहने वाले हैं जहां बिसलपुर पूरे राजधानी की प्यास हो जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कहता आ रहा हूं, और मेरे से माताएं बहनें लट लेके खड़ी है, चप्पल देने के लिए खड़ी है, कह रही है हमें पानी दो, उसके पहले वोट मांगने आना। हमने कहा साहब हम तो पहली बार आए, कि सब पहली बार आते हैं जो ये कहते हैं, मैं पहली बार आया हूँ, और जो पहली बार आते हैं उनके साथ वाले जो लोग आ जाए वो ये कहते हैं कि इस बार दे दो पूरा करेंगे, नहीं तो आप दे अगली बार मत देना। लेकिन मैं उन महिलाओं से कहने आया हूँ कि ये जो गंगा जी बह रही है जिसका पानी जयपुर जा सकता है, अजमेर जा सकता है, नरेश को बना दो, पहले देवली उनियारा की जनता प्यास से नहीं रहने दूंगा। पहले देवली उनियारा का हक है, उसका अधिकार है, उस जनता का प्यास बुझाऊंगा, उसके बाद सारी नहीं तो सारी जो लाइनें जा रही ना उनको ना तो भजनलाल रोक पाएगा ना सरकार रोक पाएगी। यहाँ नरेश मीणा एक एक पहले इनको पानी पिलाएगा, और नोट पानी, इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं, 63 गांव की समस्या, और मैंने तो माताओं से ये भी कहा है, मैंने तो माताओं से ये भी कहा है कि जो ये बीजेपी कांग्रेस के जिनको पहले राजेंद्र जी को आपने एमएलए बना चुके हो, हरीश मीणा को आपने 2 बार एमएलए बना दिया, सांसद बना दिया, अगर मेरे बाद में ये वोट मांगने आ जाए तो इनका इलाज एक ही है, इनके मारो जूते 4, इनके 2 चप्पल। और नरेश मीणा आपसे वादा कर रहा है आपकी समस्याओं को दूर करेगा, और मैं भी नहीं करूं, तो अगर कहीं भी मिल जाए नरेश मीणा 4 साल में आपको एमएलए बनने के बाद, तो नरेश मीणा के चप्पल दो, जूत दो। किस तरीके की राजनीति को कहां ले जाना चाह रहे हो आप? अभी आपने कहा कि दूसरा किरोड़ी या छोटा किरोड़ी। मैंने मेरी गाड़ियों पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रखा है, मैंने भगत सिंह की फोटो लगा रखी है, मेरी गाड़ियों पे नरेश मीणा की फोटो नहीं है। यहाँ इंकलाब चाहिए, इस राजस्थान में इंकलाब होगा। ये जो रूढ़ीवादी डर्रे वाली राजनीति जो राजस्थान में चल रही है, जो पैसे की राजनीति चल रही है, जो धनबल की राजनीति चल रही है, जो परिवारवाद की राजनीति चल रही है, जो वंशवाद की राजनीति चल रही है, जो योग्य लोगों को कुचलने की राजनीति चल रही है, जो छात्र राजनीति से आकर जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों की यूथ की जो राजनीति में कुछ जुनून के साथ जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जनसेवा करना चाहते हैं, उनको जो कुठाराघात करके उनको राजनीति में जो कुचला जाता है, उसके खिलाफ ये नरेश मीणा का इंकलाब है। और ये इंकलाब केवल देवली उनियारा तक रुकने वाला नहीं है, ये इंकलाब देवली उनियारा तक रुकने वाला नहीं है, ये राजस्थान के आने वाले चुनाव में भी इंकलाब होगा, और राजस्थान की राजनीति को बदलेगा, राजस्थान की राजनीति के परिदृश्य को बदलेगा। क्या राजकुमार रॉथ
हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा भविष्य में एक साथ एक मंच के ऊपर कहीं देखे जा सकेंगे क्या? मैंने वही इशारा है, मैंने पत्रकार महोदय अमर उजाला जी से, मैंने ये काम ये प्रयोग में राजस्थान विश्वविद्यालय में 2011 में कर चुका हूँ जब मैं छात्र राजनीति में था। मैंने 2011 में राजस्थान विश्वविद्यालय में तीसरा मोर्चा बनाया, प्रभात चौधरी को अध्यक्ष, जगमोहन मीणा को जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष में आभा गुजर और जॉइंट सेक्रेटरी में मोहसिन खान नाम से चार बंदों को चुनाव लड़ाया, जिसमें से प्रभात चौधरी जाट की बेटी चुनाव जीती, आभा गुजर गुजर समाज की बेटी चुनाव जीती, जगमोहन मीणा 250 वोटों से हार गया था। मेरा तो शुरू से सपना रहा है, जिस तरह से लालू यादव बिहार में, जिस तरह से मुलायम यादव यूपी में, जिस तरह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से जगमोहन रेड्डी, उसी तरह से मैं चाहता हूँ राजस्थान में थर्ड मोर्चा बने। इन सारे जो नेता जो जिनको पार्टियों ने दरकिनार किया, जिन्होंने पार्टियों ने जिनकी ताकत तू नहीं पहचाना, उन सबको एक मंच पे आना चाहिए। मैं तो विजय भैंसला जी जो यहाँ से जिनका टिकट कटा है और उनके आज हजारों लाखों समर्थक बहुत गुस्से में है, उनका सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला, कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला जो गुजरों के भगवान थे, मसीहा थे, देवनारायण भगवान के मंदिर में अगर किसी की मूर्ति लगती है तो कर्नल साहब की लगती है। जिस विजय भैंसला की वजह से कम 50 सीटों पर असर होता है गुजरों समाज में, उस विजय भैंसला का टिकट काट दिया और उस टिकट काट कर उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने विजय भैंसला को हरा दिया। ये पार्टियां मार्शल कोमो को पसंद नहीं करती, ये पार्टियां मार्शल लीडर्स को पसंद नहीं करती। इनका इलाज अगर करना है, इन राष्ट्रीय पार्टियों को इलाज करना है, तो थर्ड मोर्चा राजस्थान में बनाकर रहेंगे। मैं तो चाहता हूं हम सब लोग, अगर मैं उपचुनाव जीतता हूं, सारे लोग एक मंच पर आएंगे और एक बड़ा हड़कंप का बड़ी राजनीति राजस्थान में पैदा करेंगे। इतनी बातें आप बता रहे हो, आपको डर नहीं लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है, कोई अमर नहीं है। मेरा ये मन है जब मरे तो दुनिया याद करे, तो जब मरे तो तुम्हें याद करे। ये आप सुन रहे थे नरेश मीणा को, निर्दलीय प्रत्याशी देवली उनियारा। हमने आपकी बातचीत कराई, नरेश मीणा ने अपनी बात रखी। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नरेश मीणा ने निर्दलीय पर्चा भर के पैदा कर दिया है। यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच में मुकाबला है। यहाँ पे ये नरेश मीणा इस टाइम पे मौजूद है, नरेश मीणा को फलों के साथ में लोग तोल रहे हैं और नरेश मीणा की जो लोकप्रियता है वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है। देखना ये होगा कि नतीजे किस तरीके के आते हैं, ये लोकप्रियता नतीजों में कैसे बदलती है। इस सब का हमको इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए देवली उनियारा से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।